प्रोडक्ट तो आपने बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया, परचेज भी कर लिया, अंतिम मुश्किल आती है सेल करने की, अंततः उसे सेल कैसे करना रहेगा, एक माल आपको आने वाला रहेगा, तभी दीजिएगा लीजिएगा दीजिएगा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नंदकेश ब्लॉग और आज आपको हम मिलाने वाले हैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, अब उनसे परिचय लेते हैं और उनका नाम जानते हैं। अपना परिचय और नाम बताइएगा। राजीव कुमार सहरसा से है। अच्छा, राजीव कुमार सहरसा से आए हुए हैं, किस पर्पस से यहाँ आए हुए हैं? नोटबुक का उद्योग लगाना चाहते हैं तो जानकारी लेने के लिए है। जी जी, नोटबुक का उद्योग लगाना चाहते हैं। नोटबुक का ही उद्योग क्यों लगाना चाहते हैं? उद्योग तो बहुत सारा है। नहीं, अभी मतलब अच्छा इसका चल रहा है और बिजनेस ऐसा है जो मान लीजिए सब दिन इसका चलेगा, इसमें बंद होने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, तो ये मतलब अच्छा बिजनेस है, इस ये चीज देख के आप यहाँ आ गए हैं कि स्टार्ट करना है ना? अच्छा, यहाँ तो आए आपने सेटअप टूर किया जी, कैसा लगा सेटअप? बहुत अच्छा सेटअप है यहाँ का। यहाँ के कारीगर वरुण जी से आपने मिला? जी जी। आपके ही डिस्ट्रिक्ट से आए हैं वरुण जी? जी जी। कैसा लगा? ठीक है। तो आपने वरुण जी से भी बात कर लिया और सेटअप टूर भी कर लिया, अब इसमें आपको क्या क्या जानकारियां चाहिए वो बताइए, खुल के बताइए, खुल के बताएंगे। सबसे पहले तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इसमें मशीन कौन कौन सा जरूरी है, उसके बाद रॉ मटेरियल के बारे में, सेलिंग कैसे होता है, ये सब जानकारी हमको चाहिए। मतलब मुख्यतः तीन बिंदु आप पूछ रहे हैं कि मशीन का कहाँ से परचेज करना है, कितना दाम है, और उसके बाद सेलिंग कैसे करना है, और उसके बाद रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदना है। तो मैं पहला सवाल का आपको जवाब देता हूँ, मशीन कहाँ से परचेज करना है। बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो, तो ध्यान से देखें वीडियो। मशीन आप परचेज कर सकते हैं, कुछ शहर का हम नाम बता देते हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा इसका निर्माण होता है मुख्यतः पंजाब के अमृतसर में, आप अमृतसर से ला सकते हैं, आप दिल्ली में, लेकिन दिल्ली में थोड़ा फर्जी वाला ज्यादा है तो दिल्ली से बच के परचेज कीजिए, अमृतसर से ला सकते हैं और बाय डीडी लाइए, डायरेक्ट पेमेंट नहीं करना है, पहले मशीन आने दीजिए उसके बाद पेमेंट करिए। तो मशीन का तो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद आपने पूछा रॉ मटेरियल कहां से परचेज करें। आपका डिस्ट्रिक्ट सहरसा है जी जी, आपके क्षेत्र में अभी जो चल रहा है वहां का मार्केट, ज्यादा माल कहां से आ रहा है? माल कौन सा बना हुआ? हाँ, बना हुआ माल, बना हुआ तो आपको भागलपुर से जाता है। अच्छा, भागलपुर से जाता है और पटना से भी आता है, पटना से आता है और तो अभी नहीं, मतलब नजदीक में नहीं है, नजदीक में नहीं है, मुख्यतः मान के चलिए भागलपुर पटना से जाता है। मुख्य स्रोत जैसे कि सबसे ज्यादा माल कहाँ से आता है? पटना से। पटना से आता है, तो आपके ही सवाल में जवाब भी है। तो फिलहाल अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं लो लेवल से तो पटना से माल परचेज कर सकते हैं, रॉ मटेरियल। हाँ, क्योंकि कम पूंजी से आप कहीं जाइएगा मिल वाला आपको नहीं देगा, आपको मिल वाले को अगर लेना है तो जैसे हम ग्रुप बना रहे हैं तो ग्रुप में लगभग 17 मेंबर हो चुके हैं और भी ज्यादा मेंबर होंगे, तो उसके बाद हम लोग एक यूनिटी बना के एक जगह से माल अगर परचेज करेंगे तो मिल वाला भी दे देगा जी, दे देगा, और वहां से 5 रुपया किलो सस्ता माल आएगा, आराम से यहाँ कमाएंगे बिहार में जी। और आप जानना चाहते हैं कि सेल कैसे होगा, अब ध्यान से देखिए दोस्तों, सेल कैसे करें। मान के चलिए प्रोडक्ट तो आपने बना दिया है, प्रोडक्ट बना दिया, परचेज भी कर लिया, अंतिम मुश्किल आती है सेल करने की, अंततः उसे सेल कैसे करना है ताकि हमको प्रॉफिट 2 रुपया जेब में आ सके। सब काम तो अभी ऊपर ऊपर चल रहा था, अभी तक तो हम सिर्फ दे रहे थे, लेने का प्रक्रिया सेल है, कमाया सेल से जाता है ना। पहले तो अभी तक आपने मशीन खरीदा उसमें आपका पैसा लगा, रॉ मटेरियल खरीदा उसमें पैसा लगा, बिजली का कनेक्शन लीजिएगा उसमें पैसा लगेगा, अभी तक तो आपको पैसा लग रहा था,
अब सामान बन के आपके फैक्ट्री में बन चुका है, प्रोडक्ट रेडी टू मूव में है, अब उसे बेचना है। तो ध्यान से सुनिए और समझिए, बेचने के लिए आप तीन बिंदु पे काम कर सकते हैं। बिंदु नंबर एक, डायरेक्ट आप होलसेल को माल दे सकते हैं। तो होलसेल को जो माल दीजिएगा उसका कुछ टर्म एंड कंडीशन रहता है कि आपसे वो उधारी माल लेगा और माल बेच के आपको पैसा देगा, उसमें ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी आपको। होलसेल को अगर आप देते हैं तो उसमें कम से कम 10 लाख का अगर आपके पास कैपिटल है, 3 लाख का सेल कर पाइएगा, मोटा मोटा समझिए, क्योंकि वो रख लेगा एगो माल आपका, एक माल आपके फैक्ट्री में रहेगा, एक माल आपका आने वाला रहेगा, तभी हम दीजिएगा लीजिएगा दीजिएगा लीजिएगा। तो आपको तीन पूंजी की जरूरत पड़ेगी, 10 लाख में 3 लाख का सेल होगा। दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस है, अगर आप चाहें तो स्कूल और कोचिंग संस्थाओं को टारगेट कर सकते हैं, वहां देके नगद में काम कर सकते, वो भी एक है। तीसरा है, मान के चलिए लोकल दुकानदार, गांव का दुकानदार, उसको दीजिए माल। 10 दुकानदार अगर डेली आपके यहाँ आया तो 10,000 तो माल परचेज जैसे कर लेगा, 1,000 रुपया कमा लीजिएगा। आपको नहीं पूंजी फंसाना है, नहीं कुछ करना है, 10,000 लेगा, 10,000 नगद दे के जाएगा वो, तो उसमें आपका पूंजी भी नहीं फंसेगा ज्यादा और माल भी आ जाएगा ज्यादा, 1,000 रुपया आराम से उसमें कमा लीजिएगा। होलसेलिंग में 10 लाख लगाइएगा, 3 लाख का सेल होगा तो 30,000 रुपया महीना कमाइएगा, उसमें भी 1,000 रुपया आएगा डेली, तो पूंजी उसमें लग जाएगा 10 लाख रुपया आपका। इसमें कम ही पूंजी में डेली नगद आते रहेगा। वो दूसरा जो मैंने बताया था मेन मूल है, वो अंततः आपको उसको स्कूल वाले को देना शुरू कर देना चाहिए। ये दोनों जब फेल हो जाएगा तब उसमें अच्छा मार्जिन रहेगा डायरेक्ट कस्टमर को बेचने में, और बढ़िया से बिजनेस ग्रो होगा। एक बार बिजनेस ग्रो हो गया तो आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो मैंने तीनों आपको जानकारियां दे दी। अब और कोई क्वेश्चन है आपके मन में? जी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए लोन उनके बारे में भी बता दीजिए था। अब मैं लोन के बारे में बताता हूँ आपको। अगर आपके पास कम पूंजी है और बिजनेस स्टार्ट करना है, सबके मन में रहता है बिजनेस स्टार्ट करना है, तो लोन बिहार में अभी चल रहा है एक उद्यमी योजना जो फिलहाल अभी बंद है, नहीं हो रहा है। और दूसरा है पूरे इंडिया के लिए PMEGP योजना, वो सब दिन चालू रहता है। तीसरा है एक और मुद्रा योजना, वो भी सब दिन चालू रहता है। तो दो आपका सब दिन चालू है, मुद्रा PMEGP, और एक अभी बिहार में बंद हो चुका है। तो आप दो पे फोकस कीजिए, उसका ढंग से एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाइए, अपने उद्योग विभाग, जिले के उद्योग विभाग से जाके मिलिए, 1 महीना बैंक टू उद्योग विभाग, उद्योग विभाग टू बैंक करिए, वहां पे आपको कोई दिक्कत होगा तो हमको कॉल लगाइए, हम मदद करेंगे और वहां आपको लोन प्रोवाइड हो जाएगा। कम से कम 8-10 लाख तो हो ही जाएगा, वहां से आराम से 8-10 लाख हो जाएगा। अभी ऐसा माहौल है, हम खुद लिए हुए हैं तब बोल रहे हैं आपको, 6 लाख लिए हैं, फिर 6 लाख देने वाला है सितंबर में। और था एक क्वेश्चन, बोलिए, जैसे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट का भी जरूरी है? जी, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन होता है उसको बना लीजिए, एक GST रजिस्ट्रेशन है उसको बना लीजिए, बस आपका कोई रजिस्ट्रेशन का जरूरत नहीं है। ध्यान से सुनिए सभी, मैंने क्या बोला, एक उद्यम रजिस्ट्रेशन, एक GST रजिस्ट्रेशन, तो ये दोनों बनाइए, उसके बाद कुछ का जरूरत नहीं। MSME पे जो होता है, हाँ, वो उसी को उद्यम बोला जाता है। और कुछ इंक्वायरी? नहीं, ठीक है, पूछिए एकदम। बिजली कनेक्शन कुछ भी पूछ सकते हैं। बिजली कनेक्शन इसके लिए अलग से लेना पड़ेगा? इसके लिए बिजली कनेक्शन आपको अलग से लेना होगा, सिंगल फेज में आएगा, कुछ मशीनें, कुछ मशीनें 3 फेज में आएगी। अब आप कौन लेवल पे मशीन लीजिएगा उस पर निर्भर करता है। मशीन तो सेमी, मतलब ऑटोमेटिक, सेमी नहीं होता है, एक मैनुअल आता है, दूसरा ऑटोमेटिक आता है। मैनुअल का दाम मोटा मोटी 5 लाख तक में सारा मैनुअल आ जाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक आता है जिसका दाम 30 लाख 40 लाख 50 लाख होता है। ये झूठ पूछ बोलता है, उसमें भी कारीगर लगता है 10 लाख 5 लाख वाले में।
आपके पास जो है इसे ये मैनुअल बोला जाता है, इसे ऑटो मैनुअल के बाद आता है ऑटोमेटिक, उसका 35 लाख दाम है, लाइनोमेट्रिक का आता है। तो कहीं इधर उधर के चक्कर में न परमा है सेमी या सेमा के चक्कर में, सेमी यार कुछ चीज है, फंसाने का बुद्धि है। और बताइए कुछ बताइए उधर सहरसा डिस्ट्रिक्ट है। आपका वीडियो देख के आए हैं, अच्छा बहुत अच्छा लगता है, मतलब युवा के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, इससे फायदा मिला। मान लीजिए जैसे मशीनें खरीदने जाते हैं पटना, वहाँ बहुत है फंसाने वाला पैसा इधर उधर, तो आपसे जानकारी लेके अच्छा जगह जाके मशीन खरीद, किसी को पैसा नहीं देना है, ठीक है, किसी को पैसा नहीं देना, पैसा नहीं देना है, मशीन घर पे आएगा उसके बाद पैसा देना है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो दोस्तों ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, बहुत दिन से बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं लोग, उसी कड़ी में ये सहरसा डिस्ट्रिक्ट से आए हुए थे, इनको अभी एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है दोस्तों, और ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए चल दिए हैं, एक युवा उद्यमी है, जितना मदद होगा हम करेंगे, और आप भी हैं तो आपका भी मदद करेंगे, जो भी मेरे से जुड़िएगा सबों का मदद होगा। सिर्फ एक चीज पे ध्यान देना है, इधर उधर नहीं करना है, एक चीज पे फोकस करना है, कोई भी बिजनेस हो, एनीथिंग ऑफ बिजनेस, पेपर दोना पत्तल, मधुमक्खी पालन, लेदर का बिजनेस, बहुत सारे बिजनेस हैं जिससे अच्छा खासा बेनिफिट आप कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक पूरा डायनोग्राफ चाहिए जिस जो कि आपको नॉलेज प्रोवाइड करता है, वो जानकारी अगर लेना है तो मिलिए जुलिए जानकारी मिलेगा। और बहुत जल्द हम एक सेमिनार अटेंड करने वाले हैं कोलकाता में, जिनको भी सेमिनार अटेंड करना हो, मैं उसका डेट अनाउंसमेंट अभी नहीं कर रहा हूं, बहुत जल्द कर दूंगा, वो जरूर आए सेमिनार में, जितने भी उद्यमी हैं मैं सभी को आमंत्रण करूंगा, और आइए उसमें मिलिए जुलिए, उसके बाद सब लोग आगे बढ़ेंगे एक साथ, क्या। तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही, आप कुछ बोलिए दर्शक को, नहीं ठीक है, ठीक है ना, हो गया जानकारी, जानकारी मिल गया दोस्तों। तो वीडियो को अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आ जाए, और बाकी टाइम के लिए हम इंस्टाग्राम पे हमेशा फ्री रहते हैं, तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है, वहां भी आप फॉलो कर सकते हैं। टेक केयर दोस्तों।